हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड परीक्षा में मेरिट में रहने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। हमीरपुर उपनिदेशक शिक्षा विभाग के कार्यालय में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर ब्लॉक के मेधावी बच्चों को लैपटॉप दिए गए। लैपटॉप आवंटन कार्यक्रम के दौरान लैपटॉप वितरण इंचार्ज राजेश हमदर्द ने लैपटॉप बांटे। हमीरपुर जिला में 897 लैपटॉप पूरे जिला भर के मेधावी छात्रों को वितरित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड परीक्षा में मेरिट में रहने वाले मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटे गए। हमीरपुर उपनिदेशक शिक्षा विभाग के कार्यालय में लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमीरपुर ब्लॉक के मेधावी बच्चों को लैपटॉप दिए गए। लैपटॉप आवंटन कार्यक्रम के दौरान लैपटॉप वितरण इंचार्ज राजेश हमदर्द ने लैपटॉप बांटे। हमीरपुर जिला में 897 लैपटॉप पूरे जिला भर के मेधावी छात्रों को वितरित किए जा रहे हैं। हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल की प्रिंसिपल मंजू ठाकुर ने लैपटॉप मिलने वाले सभी छात्रों को बधाई दी और कहा कि हमीरपुर ब्लॉक के निजी और सरकारी दोनों ही स्कूलों के मेधावी बच्चों लैपटॉप दिए जा रहे हैं। दिनांक 18 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के ब्लॉक हमीरपुर के विद्यालयों के बच्चों को सेशन 2017-18 के जो हमारे बच्चे बोर्ड एग्जाम जिन्होंने जो मेरिट में आए थे उन सभी बच्चों को लैपटॉप जो हैं वो वितरित किए जा रहे हैं। इसमें हमारे सभी जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमीरपुर ब्लॉक के और जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सभी के बच्चों को जो है लैपटॉप आज डिप्टी डायरेक्टर हमारे ऑफिस में जो है वो दिए जा रहे हैं। मैं इन सभी बच्चों को सभी विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को और इन बच्चों के पेरेंट्स को लैपटॉप्स के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आगे भी ये बच्चे जो हैं ऐसे ही लैपटॉप्स और अच्छी अच्छी उपलब्धियाँ जो हैं वो हासिल करते रहें, इसके लिए मैं इन सभी बच्चों को इनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। धन्यवाद। लैपटॉप मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए ब्राहलड़ी स्कूल की छात्रा मीनाक्षी ने बताया कि लैपटॉप मिलने पर मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा कि लैपटॉप मिलने पर प्रदेश सरकार का आभार जताते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्राहलड़ी में 2018 में मैंने 10th की थी, तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें सरकार ने लैपटॉप दिए और इससे हमारे मम्मा डैडी टीचर्स और हमारे स्कूल का सभी का नाम रोशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। 91% कन्या स्कूल हमीरपुर की छात्रा वैष्णवी शर्मा ने बताया कि 2018 में जमा दो में 90% अंक मिले थे, जिस कारण मुझे आज लैपटॉप मिला है। उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेने पर लैपटॉप दिए जाने पर बहुत खुशी है। हमीरपुर बॉयज स्कूल के छात्र ने बताया कि 2018 में 10वीं में 92% अंक मिले थे, जिसके चलते ही मुझे आज सरकार से लैपटॉप मिला है। उन्होंने लैपटॉप मिलने पर सरकार का धन्यवाद किया। नमस्कार, मैं वैष्णवी शर्मा गर्ल्स स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने 2018 में 12th की थी और मुझे 90% आए थे, इसलिए आज हमारे स्कूल की 10th और प्लस टू की टोटल 8 छात्राओं को लैपटॉप बांटे गए। इसके लिए मैं डिप्टी डायरेक्टर महोदय और हमारी सरकार का, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और हमारे पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं बाल स्कूल हमीरपुर का छात्र हूँ। मैंने 2018 में 10th की थी और इसमें मुझे 92% आए थे, तो मुझे आज लैपटॉप मिला है, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो कि मुझे ये लैपटॉप मिला। धन्यवाद। पेहिंटुगा स्कूल के मुख्य अध्यापक मनोज पाल सिंह परिहार ने मेधावी बच्चों को लैपटॉप मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि मेधावी बच्चों ने स्कूलों का मान बढ़ाया है और ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों से हैं जिन्हें लैपटॉप मिले हैं, इसलिए इन बच्चों ने स्कूलों का नाम चमकाया है। परिहार ने सभी शिक्षक संघों की ओर से भी प्रदेश सरकार का आभार जताया है। चलो, मैं मनोज परिहार, सभी शिक्षक संघों की ओर से जिन बच्चों को लैपटॉप मिले हैं और सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम था जिसके तहत जो है बच्चों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं मेधावी छात्रों को, तो उसके लिए उन बच्चों को, उन टीचर्स को जिन्होंने मेहनत की हुई है, ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों के टीचर्स के ऊपर तोहमत लगती है कि काम नहीं होता है वहाँ पे, तो मैं देख रहा था कि मैक्सिमम बच्चे जो है सरकारी स्कूलों से हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई और हमारे जो टीचर्स जो मेहनत से काम करते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और यही बच्चे हैं जो हमारा मान बढ़ाते हैं, हमारी सरकारी स्कूलों की शान है ये लोग, तो एक बार फिर से इनको बहुत बहुत बधाई और सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये योजनाएं चलाई हुई हैं। थैंक यू सो मच। जिला हमीरपुर में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन 17 फरवरी 2020 से शुरू हो चुकी है
और हमीरपुर के सभी ब्लॉक्स को हम लोग 25 फरवरी तक ही सारे लैपटॉप हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जितने भी हमीरपुर में सरकारी क्षेत्र के हाई स्कूल हैं, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो एचपी बोर्ड से एफिलेटेड हैं, उनके मेरिटोरियस जो बच्चे हैं उनको हम लोग लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2017-18 सेशन के हमीरपुर में 897 के करीब बच्चों को हम लोगों ने लैपटॉप बांटने हैं। इसमें ब्लॉक वाइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और हमने डेट्स दे रखी हैं, प्रेस विज्ञप्ति हम लोगों ने जारी कर रखी है। उसमें हर ब्लॉक को 2 दिन या 1 दिन, ब्लॉक अगर बड़ा है तो उसको 2 दिन और अगर कोई छोटा ब्लॉक है तो उसको हम लोग 1 दिन की डेट देके रखी है। उसमें जो स्कूल्स के मुखिया हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन बच्चों को लैपटॉप यहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो लिस्टें जारी की जा चुकी हैं और स्कूल मुखिया अपने स्कूल के किसी टीचर की एक अथॉरिटी लेटर बना के भेजेंगे और साथ में जिन बच्चों को हम लोगों ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन करने हैं, चाहे वो 10th के हैं चाहे वो प्लस 2 के हैं, उन बच्चों की मार्कशीट और एक परफॉर्मा हम लोगों ने ईमेल किया है सारे स्कूल्स को कि उस परफॉर्मा को जिसमें कि बच्चे की इन्फॉर्मेशन है किस सन में उसने 10वीं पास की, किस सन में उसने प्लस 2 किया, साथ में उसकी फोटोग्राफ और कितने उसने अंक प्राप्त किए हैं और उस परफॉर्मा को उस स्कूल के मुखिया जो है अटेस्टेड करवा के हमारे यहाँ पे भिजवाएंगे। यहां से लैपटॉप्स के साथ लैपटॉप के जो बैग हैं वो भी यहां से वितरित किए जा रहे हैं। ब्लॉक वाइज हम लोगों ने जो डेट्स दे रखी हैं उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जैसे मैंने कहा हम लोगों ने जारी की है। तो ब्लॉक वाइज डिटेल जो हम लोगों ने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की है हमारे पास उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। भोरंज ब्लॉक में 109 बच्चे जो 10th के हैं उनको लैपटॉप वितरित किए जाएंगे और प्लस 2 के साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के 38 स्टूडेंट्स को हम लोग लैपटॉप वितरित कर रहे हैं। कुल मिला के 147 बच्चों को भोरंज ब्लॉक के हैं उनको लैपटॉप दिए जाएंगे। बिजली ब्लॉक के 202 बच्चों को हम लोग लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। ग्लोर ब्लॉक के 122 बच्चों को लैपटॉप मिलेंगे। हमीरपुर ब्लॉक के 303 बच्चों को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। नदौन ब्लॉक के 53 बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे और अंत में सुजानपुर ब्लॉक बचता है उसको हम लोग 70 के करीब लैपटॉप वितरित करने जा रहे हैं। मैं अभी 10वीं और इसका ब्यौरा नहीं दे रहा हूं, ये कुल जो ब्लॉक वाइज संख्या है वो इस प्रकार से है और सभी से हम लोग आग्रह करेंगे स्कूल मुखियाओं से कि अपने जो टीचर हैं उनको अथॉरिटी लेटर जरूर दें और साथ में बच्चे का परफॉर्मा भर के और उसके साथ उसकी मार्कशीट अटेस्ट करवा के जरूर भेजें।